नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में फिर से स्वागत करता हूं और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमारा इतना सहयोग किया अपना इतना सपोर्ट किया दोस्तों अगर आप अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो कुछ देर रुकीगा जरूर और देखिएगा कि जो है आपको मैं क्या क्या देता हूँ आप अगर जो है हमारे चैनल पर हैं तो आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से मिलेगा जी हाँ दोस्तों अगर जो है आपको ना पता हो तो हम जो है अभी तक ढाई सौ से ज्यादा वीडियो आपको अवेलेबल करवा चुके हैं जी हाँ दोस्तों बहुत सारी वीडियोस बहुत सारी क्लासेस हर एक चीज कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको यहां पर ना मिले कोई भी ऐसी क्लास नहीं होगी जो आपको यहां पर ना मिले कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको यहां पे ना कराया जाए तो जी हाँ दोस्तों अगर आपकी भी कोई टॉपिक या कोई किसी भी सवाल में प्रॉब्लम है तो आप हमारे फेसबुक पेज आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कहीं आप कहीं पर भी आप मैसेज करेंगे तो आपके मैसेज का जवाब जरूर दिया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कराया तो राफेल राफेल इजाफा करने में सक्षम हुआ अर्थात हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्यरत हुआ कि छत्तीस राफेल विमान अगर भारत में आ जाते हैं तो लगभग जो है भारत की जो सैन्य शक्ति है वो ऊपर चली जाएगी दो तो तीन पॉइंट तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे उसी विषय पर कि आखिर जो है भारत का लड़ाकू विमान जो है आज तक भारत ने क्या खरीदा कैसे खरीदा कितना खरीदा उस पर सब पर हम लोग चर्चा करेंगे वो रूस करता है जी हां दोस्तों। सबसे ज्यादा भारत की सैन्य शक्ति में इजाफा रूस ने करवाया है और रूस भारत का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है जी हाँ दोस्तों रूस भारत का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है और अगर हम रूस की बात करें तो आप देख रहे होंगे शक्तियों में भारत बहुत कमजोर था बहुत पीछे था एयरफोर्स के पास जो है इतनी शक्तियां नहीं थी जो कि अब हैं आज के समय में तो अपना देश जो है अपनी सैन्य शक्ति बहुत अच्छी है अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी है लेकिन जो है अगर हम बात करें तो भारत जो आखिरी बार आखिरी बार जो विमान खरीदा था वो खरीदा था 96 97 में जी हाँ दोस्तों 96 97 में सुखोई 30 विमान भा, भारत खरीदा था उसी के बाद जो है कई मतलब बीच में चल रही थी बात कि जो है विमान खरीदे जाएं खरीदे जाएं तो इस पर जो है 2007 में जब टेंडर पास किया गया कि जो है विमान खरीदने का तो उसमें क्या क्या जैसे डेमो दिखाया जाता है जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप डेमो देखते हैं उसी तरह डेमो में क्या क्या देखा गया देखिएगा अमेरिका से यफ सिक्सटीन यीन और वहीं रूस से मिग थर्टी जैसे विमानों को चेक किया गया वहीं अगर यूरो यूरोपीय समूह की बात की जाए तो वहाँ से यूरो फाइटर को चेक किया गया वहीं अगर जो है फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस में राफेल को चेक किया गया इन सब के चेक करने के बाद जो है भारत की जो परिस्थिति है उसके अनुकूल जो पाया गया वो दो विमान को पाया गया एक तो आपका राफेल पाया गया और दूसरा आपका पाया गया यूरो फाइटर जी हाँ दोस्तों ये दोनों विमान जो थे जो भारत की परिस्थिति के अनुकूल थे कि अर्थात भारत को इस दोनों विमानों की आवश्यकता थी जी हाँ दोस्तों तो इसीलिए जो है इसी क्रम को बढ़ाने के लिए भारत ने फ्रांस से जो है 36 विमान खरीदने का प्रस्ताव रखा और अप्रैल अप्रैल 2022 तक यानी कि अप्रैल दो तक जो है इस विमानों की इन विमान या विमान भारत में आ जाएगा छत्तीस विमान जी हाँ दोस्तों उसके बाद तो भारत पूछिए मत एक विमान भारत का एक विमान जो है वो पाकिस्तान के दो विमान के बराबर है अगर राफेल का टक्कर ले लिया जाए, एक राफेल लगा दिया जाए तो पाकिस्तान के जो जेटेन विमान है वो दो विमान लगेंगे इसका सामना करने में जी हां दोस्तों और राफेल की एक खास बात ये है कि थ्री सिक्सटी डिग्री पर ये अपनी नजर रख सकता है एक साथ कई टारगेट को ये मतलब एक साथ ये कई जगह पर टारगेट कर सकता है जी हाँ दोस्तों तो बहुत सारी खास बातें हैं हम लोग जानेंगे अपने इस वीडियो में पूरा विस्तार से तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राफेल जो कि भारत के भारत के सैन्य शक्ति में चार चांद लगा देगा तो जी हाँ दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो को लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए कमेंट करते रहिए तो चलिए स्टार्ट राफेल में और चीन के जे ट्वेंटी से बेहतर क्यों है तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे कि राफेल की आवश्यकता और संभावनाएं। पुराने समय में युद्ध लड़ने के लिए थल सेना की भूमिका ज़्यादा होती थी थल सेना पैदल सैनिकों घुड़सवार सैनिकों आदि से मिलकर बनती थी जिस सेना के पास प्रशिक्षित सेना और उस समय के हिसाब से आधुनिक हथियार होते थे वह विजयी होती थी जल सेना या नेवी का जब विकास हुआ तो उपनिवेशवाद के दौर का प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन फ्रांस पुर्तगाल जैसे देशों के इतिहास में नेवी की भूमिका महत्वपूर्ण थी इस समय शासन उस देश का होता था जिसकी नेवी मजबूत होती थी मतलब चूँकि हमको पता है कि जब भी ब्रिटेन हो गया पुर्तगाल हो गया फ्रांस हो गया ये सब जो है आए भारत में तो इनकी मजबूती बनी किस कैसे तो वही बनी मजबूती जो नेवी जिसकी जो है मजबूत थी तो चलती देखते हैं एयरफोर्स के विकास में आधुनिकता के समावेश ने सेना के दो अंगों की भूमिका को कम कर दिया आधुनिक समय में एयरफोर्स का महत्व तो सबसे ज़्यादा है यह सेना का वह भाग है जो कुछ ही मिनटों में युद्ध के परिणाम को बदल सकता है जी हाँ दोस्तों यह जो है ऐसा चीज़ है एयरफोर्स सेना जो होती है वो ऐसी सेना है जो कि युद्ध के परिणाम को मात्र कुछ समय में बदल सकती है इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि सेना की भूमिका समय समय पर बदलती रही है और आधुनिक तकनीक के महत्व को बदला जा सकता है और वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्व उस तकनीक को की है जो सबसे उन्नत हो मतलब भारत सरकार ने आजादी के बाद एयरफोर्स के विकास के लिए भरसक प्रयास किए लेकिन भारत की सामरिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह पर्याप्त नहीं था जी हाँ दोस्तों हमारी अर्थव्यवस्था का आकार छोटा था चुनौतियाँ ज़्यादा थी रक्षा के क्षेत्र में तकनीकी और रिसर्च और डेवलपमेंट कम था बजट का एक छोटा सा भाग तीन सेनाओं पर खर्च किया जा सकता था आदि कारणों से हम अग्रणी नहीं बन पाए लेकिन भारत ने उपरोक्त परिस्थितियों में रूस का सहयोग प्राप्त किया मैंने जैसा कि बताया आपको कि भारत का जो सबसे ज़्यादा सहयोग किया सैन्य सैन्य शक्ति में वो रूस ने किया भारत की वायुसेना में रूस में बने विमान मिग ट्वेंटी वन मिग ट्वेंटी सेवन सुखोई थर्टी जैसे विमान शामिल थे मिग ट्वेंटी वन और मिग ट्वेंटी सेवन अब आउटडेटेड हो रहे हैं इसी कारण एयरफोर्स में विमानों की संख्या कम होकर इकतीस स्क्वाड्रन तक सिमट गई है अब आप लोग सोच रहे होंगे स्क्वाड्रन क्या है आगे बताते हैं सामान्यतः एक स्क्वाड्रन में 12 से 18 लड़ाकू विमान शामिल किए जाते हैं जी हाँ दोस्तों एक स्क्वाड्रन में 12 से 18 लड़ाकू विमान होते हैं और भारतीय परिस्थिति के लिए एक स्क्वाड्रन में अट्ठारह विमान एक आदर्श की अवस्था को दर्शाता है जी हाँ दोस्तों कुछ रिपोर्टर में कुछ रिपोर्ट्स में इसका जिक्र किया गया है कि भारत को यदि चीन एवं पाकिस्तान के साथ दोनों मोर्चे पर युद्ध लड़ना पड़ जाए तो कम से कम बयालीस स्क्वाड्रन की ज़रूरत होगी अब भारत ने अंतिम बार उन्नीस सौ में अर्थात जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि सुखोई थर्टी जो ख़रीदा गया था ये 1996 नाइन्टी सेवन में खरीदा गया था और वही आखिरी विमान खरीदा गया था लड़ाकू विमान खरीदा गया था इसलिए लंबे समय से विमान की मांग जारी थी भारत सरकार ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए वर्ष 2007 में मल्टी रोल नए लड़ाकू विमान के लिए टेंडर जारी किया था 2007 में टेंडर जारी किया गया था इसके लिए अमेरिका ने 16, एफ सिक्सटीन एफ एट्टीन रूस ने मिक-35, स्वीडन ने ग्रीपियन यूरोपीय समूह ने यूरो फाइटर टाइफून तथा फ्रांस ने राफेल की दावेदारी पेश की थी सत्ताईस अप्रैल 2011 को आखिरी दौड़ में राफेल और यूरो फाइटर ही भारत की आवश्यकता के अनुकूल पाए गए 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोली व फील्ड ट्रायल के दौरान राफेल के सबसे उपयुक्त साबित होने पर यह टेंडर राफेल को दिया गया जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कल हमारी सैन्य शक्ति में इजाफा हो गया चार चांद लग गए एक और दोस्तों अगर आपको ना पता हो तो बता दूं एक अगस्त से जो शुरू होने वाली प्रतियोगिता सीरीज़ है उसमें हिस्सा जरूर लीजिए शाम को सात बजे तो चलिए आगे देखते हैं उस समय भारत सरकार जी हाँ दोस्तों आगे देखते हैं क्या है उस समय भारत सरकार ने 121 राफेल जेट खरीदने की इच्छा प्रकट की थी जिसमें 18 तैयार विमान मिलने थे एवं 108 विमान भारत में हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ बनाए जाने थे वर्तमान एन सरकार ने 36 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया जिन्हें अप्रैल 2020 तक मतलब अप्रैल 2022 तक भारत को सौंपा जाना था फ्रांस के वर्तमान तनाव की वजह से उपजी भारतीय आवश्यकताओं को समझते हुए पांच राफेल विमान कल मतलब कि 27 जुलाई की बात हो रही है ये फ्रांस से रवाना कर दिए गए यह विमान सात घंटे में यूएई ए दफरा एयरबेस पहुंच चुके और यानी कि कल की बात अगर की जाए तो 29 जुलाई को यह अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंच जाएंगे अर्थात जो कल पहुंचे इन विमानों को फ्रांस से सत्रह गोल्डन एरोज कमांडिंग ऑफिसर पायलट भारतीय जो कि ये पायलट हैं सत्रह गोल्डन एरोज कमांडिंग ऑफिसर ये जो है भारतीय पायलट हैं भारत लेकर आ रहे हैं इन सभी पायलटों को फ्रांसीसी दसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा प्रशिक्षित किया गया जी हाँ दोस्तों पहले इनको प्रशिक्षण दिया गया उसे चलाने का उसके बाद इसको ये लेके आए इन विमानों को उनतीस जुलाई या तीस जुलाई को वायुसेना में शामिल किया जाएगा राफेल की विशेषता क्या है आइए हम उस पर चर्चा करते हैं राफेल की क्या विशेषता है यह एक लड़ाकू विमान एवं मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की एविएशन नाम की कंपनी बनाती है जी दोस्तों राफेल ए के पहले विमान में चार जुलाई उन्नीस को उड़ान भरा था जबकि सी कैटेगरी के विमान ने उन्नीस में उड़ान भरा था राफेल की चार कैटेगरी है अगर आपको बता दे तो ए बी सी और यम श्रेणी में एक सीट डबल सीट और डबल इंजन के विमान बनाता है वर्ष उन्नीस से वर्ष 2018 तक कंपनी की इसकी एक यूनिट बना चुका है जो अपनी क्षमता को प्रूफ करने में सक्षम साबित हुई है जी हाँ दोस्तों अगर वहीं आगे बात करें तो यह जो है हवा से हवा में हवा से ज़मीन पर हमला करने के साथ साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है यह मिसाइल दाग सकता है इसकी एक खास विशेषता यह भी है कि बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है जिससे राडार से जो राडार से पकड़ में आने की संभावना कम हो जाती है जी हाँ दोस्तों यह जमीनी सैन्य ठिकाने के साथ साथ विमानवाहक पोत को उड़ान मतलब पोत से उड़ान भर सकने में सक्षम है मतलब कि यह जो है ज़मीनी सैन्य ठिकाने के साथ साथ विमान वाहक पोत से भी उड़ान भर मिसाइल से हमला कर सकता है यह एक साथ कई टारगेट पर नज़र रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है जी हाँ दोस्तों आगे अगर बात करें तो यह एक मिनट में पचास हज़ार फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है था छत्तीस हजार से पचास हजार फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है जी हाँ दोस्तों उन्नीस सौ बीस किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि अधिकतम स्पीड दो हजार दो सौ बाईस किलोमीटर प्रति घंटा है जी हाँ दोस्तों अगर इसकी नॉर्मल रफ्तार की बात की जाए तो उन्नीस सौ बीस किलोमीटर प्रति घंटा और अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो दो हजार दो सौ बाईस किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है इसमें ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है जिससे लिक्विड ऑक्सीजन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी हां दोस्तों यह इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनर रात से थ्री मैपिंग कर ट्रायल रियल टा, रियल टाइम दुश्मन की अवस्थिति का पता करने में सक्षम है जी हां दोस्तों यह मौसम हर मौसम और ऊंचाई पर कार्य करने में सक्षम है और 1312 फीट 1312 फीट के छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है जी हां दोस्तों यह 24,500 किलोग्राम तक भार का और 17,000 किलोग्राम फ्यूल ले जाने में सक्षम है यह अमेरिका के यफ सिक्सटीन की तुलना में जीरो दशमलव सात नौ फीट लंबा है जी हाँ दोस्तों और जीरो दशमलव आठ दो फीट ज़्यादा ऊंचा है राफेल की लंबाई पंद्रह दशमलव तीन जीरो मीटर और जबकि विंग की लंबाई अगर बात की जाए तो दस दशमलव नौ जीरो मीटर और जेट की ऊँचाई की बात की जाए तो पाँच दशमलव थ्री जीरो मीटर है यह पहले से ही दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मीटियोर के साथ साथ तकनीक की से लैस है इसमें भारतीय आवश्यकता अनुसार और हथियार लगाए जा सकते हैं जी हाँ दोस्तों इसमें हथियार एक्स्ट्रा भी लगाए जा सकते हैं इसमें इजराइल का हेलमेट माउंस डिस्प्ले लगा है जी हाँ दोस्तों इज़राइल का हेलमेट माउंट डिस्प्ले लगा है जो कि पायलट को कई तकनीक खूबियों से लैस कर देता है जी हाँ दोस्तों इसमें रडार वार्निंग रिसीवर लो बैट जेमर दस घंटे की फ़्लाइट डाटा रिकॉर्डिंग और कई प्रकार के ट्रैकिंग सिस्टम लगे हैं परमाणु हथियार से लैस राफ़ेल हवा में हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है जबकि हवा से ज़मीन पर इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है राफ़ेल ऊपर नीचे अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है मतलब इसकी विज़िबिलिटी 360 डिग्री होगी जी हाँ दोस्तों इसकी विजिबिलिटी जो है वो कितनी है 360 डिग्री है वहीं आगे बात करें तो यह 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है जिसका प्रदर्शन अफगानिस्तान इराक़ सीरिया एवं लीबिया में चेक किया जा चुका है इसमें लगी मीटियोर या मीटोर मिसाइल दुश्मन की सीमा में प्रवेश किए बिना 150 किलोमीटर तक दुनिया को तबाह कर सकती है जी हाँ दोस्तों 150 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह कर सकती है इसके अलावा इसके अलावा क्रूज मिसाइल भी लगाया गया लगाया जाएगा जिसका विकास यूरोपीय डिफेंस कंसोल्टियम एम द्वारा किया गया है मूलतः 250 किलोमीटर की दूरी तक मार सकती है लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट यह दूरी इससे दो गुनी बताई जा रही है कुछ में 60 से 70 किलोमीटर ही भारत ने इस पर लगाने के लिए हम हैमर मिसाइल भी इमरजेंसी तौर पर ख़रीदा जाएगा यह एक मध्यम रेंज की एयर टू एयर टू ग्रांड मिसाइल है जिसे फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिज़ाइन निर्मित किया गया था हैमर मिसाइल भारत पहाड़ी क्षेत्र सहित किसी भी इलाके में किसी बंकर या ठिकाने पर हमला करके उसे ध्वस्त करने में सक्षम बनाएगा छत्तीस राफेल से एयरफोर्स के दो स्क्वाड्रन का विकास होगा जो अम्बाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा स्क्वाड्रन में लगाए जाएंगे जी हाँ दोस्तों ये जो है छत्तीस राफेल आएंगे भारत में राफेल भारत को पाकिस्तान यफ सिक्सटीन और जे यफ सेवेंटीन जैसे पाँचवीं पीढ़ी के विमानों के मुकाबले में न सिर्फ सक्षम होगा बल्कि उन पर भारी पड़ेगा कुछ रिपोर्ट्स का यह दावा है कि एक राफेल को रोकने के लिए दो यफ़ सिक्सटीन विमानों की आवश्यकता होगी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राफ़ेल कंपनी पचास साल तक के लिए फ्रेंच इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी देगी राफेल के ट्रेनर विमानों के टेल नंबर वायुसेना के प्रमुख आर के एस भदौरिया के सम्मान में आरबी सीरीज से के होंगे रक्षा सौदे के समय रक्षा सौ, सौदे के समय यह उपसेना प्रमुख थे और इस सौदे से भारतीय दल का नेतृत्व किया था आखिर हम देखते हैं कि क्या राफेल से हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी तो आइए उस पर चर्चा करते हैं जी हाँ दोस्तों राफेल उन्नत तकनीकी का है लेकिन संख्या कम है हमारे छत्तीस राफेल छत्तीस जगह पर ही एक साथ लड़ सकते हैं अर्थात यदि पाकिस्तान और चीन एक साथ युद्ध परिस्थिति बनाते हैं तो उस समय हमारे लिए चुनौती बढ़ सकती है चीन के पास फाइटर प्लेन की संख्या हमसे बहुत ज़्यादा है और राफेल की तरह उसके पास भी पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं राफेल बना बनाया मिल रहा है और आधुनिकी का हस्तांतरण हा, नहीं हो रहा है जिससे हमारी निर्भरता फ्रांस पर बनी रहेगी भारत के स्क्वाड्रन में अन्य विमान आउटडेटेड हो रहे हैं जिससे स्क्वाड्रन की संख्या घट रही है यदि हमने विमानों की संख्या नहीं बढ़ाई तो इससे संख्या घटकर 2022 तक 25 रह जाएगी इसलिए हमारे देश के अंदर विमानों के निर्माण की गति बढ़ानी होगी हमें छोटे और हल्के फाइटर प्लेन की अधिक आवश्यकता है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है जी हाँ दोस्तों तो ये था आज हमने जो है पूरा राफेल के बारे में चर्चा किया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें देखने के लिए हमें सुनने के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में और अगर जो है आपको न पता हो तो जो हमारी कल से एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जियोग्राफी की इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा शाम को सात बजे जी हाँ दोस्तों वैसे भी कोई मतलब नहीं है शाम को सात बजे आप देखिए हमारे क्वेश्चन रहेंगे एम और क्वेश्चन का जवाब दे करके जीते सौ रुपये से ज़्यादा मतलब सौ रुपये का पुरस्कार अभी सौ रुपये रखा गया है धीरे धीरे यह पुरस्कार बढ़ाया जाएगा तो आप लोग जो है ज़रूर देखें कल शाम को सात बजे मिलेंगे अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद